What is up, everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और हैप्पी दिवाली सभी को. आई होप कि आप आपकी दिवाली में थोड़े से मजे करें और फोकट के पटाखे ना फोड़े. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मानवा के ऊपर. इट्स चाइनीज मानवा. आई नो कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि चाइनीज मानवा से जो भी होती है वो बेकार होती है. आगे इस चीज़ को एड्रेस करते हुए कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करूँगा. अब पहले इस बारे में बात करते हैं कि मानवा किस बारे में है. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इट मीन्स कि आप मानवास मांगास जैसी चीज़ों को पसंद करते हो. और अगर ऐसी बात है तो आपने जब मांगा के सेक्शन में जाओगे तुमको वहाँ पर बहुत सारे फैंटेसी इसिकाइज एनिमे या मांगास पढ़ने या देखने को मिलेंगे. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसिकाई में कि आप अपने नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड से किसी नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो या किसी भी वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो तो हम उसे इसिकाई कहते हैं या वर्ल्ड ट्रांसफर. आई डोंट नो अलग टर्म्स क्या है उसकी बट आई थिंक इसिकाई. सो दिस इज जस्ट अनदर जेनेरिक स्टोरी. अगर तुम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर को देखो तो शायद तुम लोग ये सोचो. अगर तुम इसके प्रोलॉग या डिस्क्रिप्शन को देखो तो मे भी तुम लोग ये सोचो. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर तुमने सोलो लेवलिंग जैसे मास्टरपीस को पढ़ा है उसे नॉवल वर्जन में या उसके वेबटून वर्जन में या उसके मांगा वर्जन में. अगर तुम लोग नहीं पता कि सोलो लेवलिंग का मांगा वर्जन भी है यू शुड चेक आउट. सो अगर तुमने सोलो लेवलिंग को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसकी स्टोरी कितनी वेल रिटन है मांगा वेबटून नॉवल इन तीनों जगहों. इसी वजह से वो सीरीज हम लोगों को पसंद भी है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है. एक राइटर ने उसके चूज चूज के वर्ड्स डायलॉग्स और दूसरे सीन्स को उठा उठा के आपके सामने प्रेजेंट करा है. उसकी इमेजिनेशन को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता है थ्रू राइटिंग थ्रू ड्राइंग्स. और आज जिस मानवा के बारे में हम बात करने वाले हैं ये भी कुछ ऐसी एक मानवा है. इस मानवा का नाम है आई एम रियली नॉट द इविल गॉड लेकी. ये मानवा बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है. लिटरली बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है. आई रियली लाइक द स्टोरी. मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक इसे का स्टोरी को देख रहे हो और अचानक तुम लोग सोचते हो कि ये स्टोरी तो कितनी अच्छी है. ना ना ना, एक स्टोरी जब तुम उसको पढ़ते हो उसके राइटिंग के तरीकों को तुम देख के बोलो कि इसने जिस तरीके से प्रेजेंट मेरे सामने करा है अगर वो किसी और मानवा को भी करता तो मैं बोलता कि ब्रो दैट वॉज एपिक. सो ये मानवा में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है. बाकी इसके स्टोरी राइटिंग का जो तरीका है वो आप लोगों को पसंद आने वाला है. हो सकता है कि कुछ लोगों को चीज़ ना पसंद आए बट दूसरी चीज़ें भी हैं जैसे कि इसका आर्ट वो भी बहुत अच्छा है. इवन स्टोरी है वो भी बहुत अच्छी है. इसमें टोटल में अभी तक 26 चैप्टर्स है. और ये जो सीरीज है ये आपको मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग और ओपी कैरेक्टर्स के आगे पीछे घूमती है. हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल बुक स्टोर ओनर है जो कि हमारे नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड से उठकर के एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला गया है. उसको किसी ने समन नहीं करा. उसने खुद एक मैजिकल सर्कल अपने अर्थ पर ड्रॉ करा था. उसके बाद वो उस वाले वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया. एंड वाई यू आस्क ये ना तुम लोगों को वहाँ पर खुद देखना होगा. मैसेज को मिस्ट्री रखना चाहूँगा कि वो वहाँ जा कर के एक बुक स्टोर ओनर क्यों बनता है. अब यहाँ पर बात ऐसी है कि उसको बुक्स पढ़ना थोड़ा सा पसंद है. वो एक बुक स्टोर ओनर है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को बुक्स रेकमेंड करता है. अब जो भी उसके पास बुक्स है वो सारी बुक्स हमारे नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड की बुक्स है जो कि उसके लिए तो काफ़ी नॉर्मल है. लाइक कोई भी बुक डाके देख लो तो लिटरली कोई भी बुक नॉवल ही समझ लो. वो भी तो बुक है एक तरीके से. वेब नॉवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल नॉवल की बात कर रहा हूँ. तो वो भी तो एक बुक है एक्चुअली. सो ये जब उन नॉवेल्स को किसी को रेकमेंड करता है तो उन लोगों के लिए वो नॉवेल चेंज हो जाती है उनके वर्ल्ड के अकॉर्डिंग. और क्योंकि वहाँ पर मैजिक और दूसरी जात के स्टफ होते हैं सो यहाँ से जब वो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ उस वाले वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन में अचानक चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल्ड एंड दे हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दीज बुक्स. सो अब यहाँ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग चालू हो जाती है. लोग इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर समझने लग जाते हैं एंड ही इज़ ए रियली पावरफुल कैरेक्टर. बट बात ऐसी होती है कि इस पूरी सीरीज एक मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे घूमती रहती है कि लोग इसको समझ रहे हैं कि ही इज़ ए पावरफुल कैरेक्टर बट इन रियलिटी उसको खुद को भी नहीं पता रहता कि वो क्या पावर्स यूज़ कर रहा है और उनको बुक रिकमेंड कर रहा है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की मिस्ट्रीज है जो कि तुम लोगों को इस मानवा में देखने में मज़ा आएगा. और मैंने देखा है कि कई लोगों के दिमाग में एक चाइनीज मानवास को या मानवा जो भी बोलते हैं उसको लेकर के एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि वो अच्छी नहीं होती है. मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर मानवा या मांगा या
मैं कहूँ मानहुआ जो चाइना प्रोड्यूस करता है, या उनकी नॉवेल्स जो चाइनीज बंदे लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो चाइनीज़ राइटर्स प्रोड्यूस करते हैं, डजेंट मीन कि वो चीज़ें गलत है या फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं है उसकी स्टोरी में या आर्ट में या एनिमेशन में। दरअसल बात ऐसी है, बस मिसकंसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमको ऊपर ऊपर वो चाइनीज़ गार्बेज दिखता है, और वो गोल्डन आर्ट, वो सिल्वर कॉइन्स, वो उसके जैसी मानवास कहीं नीचे दब सी जाती है, जो हमको एकदम से नज़र नहीं आती है। थोड़ी सी सर्च करने के बाद यू कैन फाइंड इट। अब जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल दूँ तो मटीरियल पी अपोथियसिस, ये दोनों ही मानवास वन ऑफ द बेस्ट मानवास लगते हैं मेरे को। ऊपर से एक टेल ऑफ डीमन एंड गॉड, ये भी एक मानवास, लाइक ये तीनों मानवास बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, और ये तीनों चाइनीज़ है। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि चाइनीज़ में तुमको ऊपर ऊपर बहुत सारा कचरा दिखने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डीप एंड पे जाओगे उधर आइसबर्ग, तो बस चाइना का आइसबर्ग थोड़ा सा उल्टा है, इसमें सारा कचरा ऊपर है और सारी अच्छी चीज़ें थोड़े से नीचे दबी हुई है। इसलिए कुछ हम अच्छे स्टोरी वाली मानवास को नहीं देख पाते, नहीं मिल पाती हम लोगों को, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ तुम लोगों को और सम ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चीज़ों को रिकमेंड करने के लिए। सो ये था मेरा एक हॉनेस्ट रिव्यू अबाउट मानहुआ। आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। सो नाउ दैट, मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि मैं पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंट नहीं था, लाइक रियली मैं कभी एक महीने बाद वीडियोज डाल रहा हूँ, कभी सात सात आठ आठ पंद्रह पंद्रह दिन की गैप्स हो रही है वीडियोज में, और एकदम टाइम पे उन वीडियोस को मैं नहीं ला पा रहा हूँ, जैसे कि मैं मेरे 10K सब्सक्राइबर्स पे, मेरे 5K सब्सक्राइबर पे, मेरे 12K सब्सक्राइबर्स पे कर रहा था, पर अब मैं नहीं कर पा रहा था, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी इस वजह से नहीं कर पा रहा था। छोटी सी अनाउंसमेंट है, आई होप तुम लोग इसको सुनोगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे। इस साल मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे मैंने अचानक एक बार बताया था आप लोगों को, एक पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी, मैंने बताया था कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो इस साल में 3 बार ऑपरेशन हो चुके, बट मेरे 3 ऑपरेशन हुए हैं। अब उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक था, अपना थ्रोट को मतलब अपने गले को सही से यूज़ नहीं कर पा रहा था, वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा वीक था, मेरे को बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता था। सो और ऊपर से क्योंकि एक मेन चीज़ जो था मेरा हाथ जिसका ऑपरेशन था, मैं वही यूज़ नहीं कर पा रहा था, सो बेसिकली मैं एडिट नहीं कर सकता था वीडियो, और क्योंकि मेरी टीम में मैं ही एडिटर हूँ अपने वीडियोस का, सो और किसी को एडिटिंग आती नहीं है, सो उनको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें कैसे करनी है, सो कोई वीडियोस भी नहीं बना पाता था अगर मैं उनको रिकॉर्ड करके भी दे दूँ। बट स्टिल बीच में मेरे कुछ यूट्यूब फ्रेंड्स थे, ताकि मैं हमेशा जागरूक रहूँ कम्युनिटी के साथ, जैसे कि MS क्रिएशन, सो उन लोगों ने हाथ बढ़ाया आगे और मुझे बोला भाई तो रिकॉर्ड करके भेज दो, एडिट कर लेंगे तेरे वीडियोस को, मतलब कोलैबोरेशन था जो कि उनके चैनल पे था, और मैं हमेशा भूल जाता हूँ कोलैबोरेशन के वीडियोस में कि मेरे को किसी के साथ कोलैब करना है क्योंकि। सो आई होप तुम लोग मेरी इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, बट अब सब कुछ ठीक है, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया हूँ। सो आई थिंक मैं अपने पुराने शेड्यूल पर वापस जा रहा हूँ कि हर 48 आवर में आपको एक नया वीडियो मिलेगा एक नए टॉपिक पे। और जो लोग बोल रहे हैं वन पीस की थ्योरीज नहीं आ रही है, 2 दिन बाद आपको एक नई वन पीस की थ्योरी दूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोची है, ये वीडियो के बनाने से पहले उसी का आइडिया आया था मेरे पास, तो उसकी स्क्रिप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग आगे के वीडियोस को इन्जॉय करोगे, एंड थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट। हम लोग 20K पहुँचने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें अगर आपको इस चैनल का कॉन्टेंट पसंद आता है तो, ताकि ये चैनल कम से कम 20K तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।